escape is to reach the ending. Everyone has a dark side. रेसिड्यू एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को दिखाया गया है जो भयानक किताब पढ़ता है। अनजाने में वो खुद को और अपनी बेटी को खतरे में डाल देता है। इस बुक के पीछे बहुत लोग पड़े हैं। इसकी मिस्ट्री जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों, ये हॉरर थ्रिलर मूवी है जो मुझे कुछ मूवीज से इंस्पायर्ड लगी। मोस्टली मुझे इविल डेड सीरीज़ की याद आई, क्योंकि इसमें जो हॉन्टेड बुक का कंसेप्ट दिखाया गया है वो मुझे सिमिलर लगा। मूवी का डायरेक्शन अच्छा है और परफॉर्मेंसेस भी सबके डिसेंट थे। इंस्पायर्ड होने के बावजूद ये एक फ्रेश मूवी लगती है और इसमें बढ़िया प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स का यूज़ किया गया है। लो बजट में इन्होंने जो इफ़ेक्ट्स दिखाए हैं वो रियल लगते हैं। स्क्रीन प्ले मुझे ज़रा स्लो लगा, लेकिन फिर भी आप इस मूवी को एंडिंग तक देख पाते हो। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है और हिंदी डबिंग भी मुझे बहुत पसंद आई, तो आप ज़रूर इसे हिंदी में देख सकते हो। ओवरऑल ये मूवी सबको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये एक बहुत ही वियर्ड मूवी है। ये एक कल्ट मूवी की तरह है। अगर आपको अजीब सी हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो एक बार आप इसे देख सकते हो। मैं इस मूवी को दूंगा 5.5 out of 10। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हिंदी डब मूवीज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। हम इस चैनल पर हिंदी डब मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के रिव्यूज़ लाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।